नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि स्पेशल में आज हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे टेस्टी के साथ। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप साबुदाने, जिसे हमने 3-4 बार अच्छे पानी से वॉश करके और 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और आप देख सकते हैं साबुदाने हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। समर आइस लेंगे हम 1 कप, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और दोनों के पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है, अब ये बिल्कुल ड्राई है। 2 उबले हुए आलू, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, नमक लेंगे सेंधा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च टुकड़ों में काटा हुआ और लेंगे हम 200 ग्राम दही। तो फ्रेंड्स, सभी चीजों को हमें साबुदाने, समर आइस और दही को अच्छे से मिक्स करना है, मिक्सी के जार में हमें पीसना है। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। मिक्सी के जार ले लेंगे हम, इसमें हम साबुदाने डालेंगे और समर आइस, दही। जार का ढक्कन हम बंद करेंगे और इसे हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। हमने इसको पीस लिया है देखिए, और हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप पानी की जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा दही भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे बैटर को। हमें थोड़ा पतला बनाना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है हमें। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, सेंधा नमक है ये, 1 चम्मच में से हाफ हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना गाढ़ा और कितना पतला है। इतना ही हमें रखना है देखिए। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग की तैयारी करते हैं अब हम। एक पैन ले लिया है हमने, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी के गर्म होते ही हम डाल देंगे जीरा, हरी मिर्च। जीरा और हरी मिर्च अच्छे से भून जाने के बाद हम डालेंगे आलू। आलू को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और आलू के स्टफिंग को हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। और फ्रेंड्स, आप आलू में पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप फास्ट में पनीर खाते हैं तो इसमें आप 100 ग्राम पनीर काट के छोटे छोटे चॉप करके मिक्स कर सकते हैं, या टमाटर। नमक ऐड कर देंगे, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें 2 मिनट भून लेना है। स्टफिंग को हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है अच्छे से। अब हम स्टफिंग को निकाल लेंगे एक प्लेट में। स्टफिंग हमारा रेडी है ठीक है। हमने एक दूसरा पैन ले लिया है, इसमें हम घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और 1 चम्मच की मदद से 1 चम्मच हम बैटर इसमें डालेंगे।
दीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से फैलाएंगे। एक तरफ हम सिक जाने देंगे, उसके बाद हम पलट देंगे। जब हमारा एक तरफ सिक जाए तो हम पलट देंगे। देखिए दूसरी तरफ हमारा बहुत ही अच्छे से सिका है, तो एक मिनट हम वेट कर लेंगे दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक जाने तक। एक मिनट बाद हम चेक करेंगे कि दूसरी तरफ हमारा सिका है कि नहीं, तो पलट लेंगे। देखिए सिक गया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। देखिए इस तरीके से अब हम फोल्ड कर लेंगे, तो एक तरफ से हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे। देखिए पलट देंगे हम एक बार। बस कुछ ही सेकेंड में हमारा ये बन जाएगा। बस दूसरी तरफ हल्का सिक जाने का हम वेट करेंगे। निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें सभी बना लेना है। देखिए एक चम्मच हम बैटर डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे एक तरफ अच्छे से सिक जाने देंगे, उसके बाद हम पलट देंगे। देखिए अब छोटा बड़ा अपने साइज के हिसाब से आप बना सकते हैं इसे। दोनों तरफ जब अच्छे से सिक जाए तो हम स्टफिंग रख देंगे बीच में और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से प्रेस करेंगे। आप चाहे तो ये साइड से भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत इजी है। फिर से एक बार हम दूसरी तरफ सेक लेंगे बस कुछ ही सेकंड के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सभी को हम बना के रेडी कर लेंगे। देखिए लीजिए फ्रेंड्स हमारे हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स इसे नवरात्रि में बनाइए, खाइए, फिर कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अच्छा लगे तो हमेशा की तरह अपने दोस्तों में और अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करना रेसिपी को मत भूलिएगा। मेरा रेसिपी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिए गए मेरे चैनल के लोगो में आप क्लिक कर सकते हैं। और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने राइट में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।